कटनी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की खैरैनी चौकी प्रभारी प्रीति पांडे के द्वारा की गई रेड का लाइव वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें खैरैनी चौकी प्रभारी ने खैरैनी फाटक इलाके के एक घनी बस्ती में जाकर एक महिला के घर से 1,00,000 रुपए की स्मैक जब्त की। खैरैनी चौकी प्रभारी प्रीति पांडे ने बताया कि उन्हें कई दिनों से मुखबिरों द्वारा सूचना मिल रही थी कि खैरैनी फाटक इलाके की रहने वाली एक महिला स्मैक बिक्री का काम करती है। उस सूचना के आधार पर कटनी एसपी मयंक अवस्थी के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर खैरैनी फाटक के घनी बस्ती स्थित महिला के घर पर रेड मारी गई, जिसका लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। खैरैनी पुलिस चौकी के पुलिस बल ने महिला के घर से एक पुड़िया में रखी लगभग 1,00,000 रुपए की स्मैक जब्त कर महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। वहीं खैरैनी चौकी प्रभारी ने यह भी बताया कि इस महिला के खिलाफ पूर्व में भी कोतवाली थाने में इस तरह के मामले दर्ज है। मुखबिर सूचना के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि खैरैनी फाटक में स्मैक के लिए एक महिला खड़ी है अपने घर के बाहर, तो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस महोदय मनोज केड़िया साहब एंड सीएसपी शशिकांत शुक्ला साहब के मार्गदर्शन में पीआई साहब और मेरे द्वारा एक टीम बनाकर मुखबिर सूचना के बताए गए स्थान पर रेड कार्रवाई की गई। हमारा स्टाफ के जो खैरैनी फाटक क्षेत्र में एक महिला स्मैक लिए हुए थी, जो अपन वहाँ पर पहुँचे जहाँ महिला स्मैक ली हुई थी, जिससे हमारा स्टाफ के मौके पर कार्रवाई की गई, जो महिला के कब्जे से 7 ग्राम स्मैक कीमती लगभग 1,00,000 रुपए जब्त कर मौके पर कार्रवाई कर महिला को जेल भेजा गया है। और पूर्व में भी महिला के खिलाफ थाना कोतवाली में 10 अपराध पंजीबद्ध हैं। ये खैरैनी फाटक में जो ग्राहक हैं आते जाते रहते हैं, उनको ये इस प्रकार से स्मैक बेचती रहती हैं। और एसपी साहब का सख्त आदेश है कि बिल्कुल भी स्मैक नशा मुक्त अभियान के तहत कटनी को नशा मुक्त बनाना है। ऐसा कुछ उसने बताया नहीं, उससे पूछताछ की गई और अभी अपनी मुखबिर सूचना को अपन मजबूती से लगाया गया है, जिससे और भी जहाँ से स्मैक आती है एसपी साहब के निर्देशानुसार जो मेन जड़ है उनको पकड़ा जाएगा। कटनी से टाइम 8 के लिए सत्येंद्र गौतम की रिपोर्ट।